नमस्कार, मैं विद्रेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। आइए नजर देते हैं हिमाचल के प्रमुख समाचार पर। शिमला में संजौली ढली की नई टनल तैयार हो चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जल्द ही इसका लोकार्पण करके इसे जनता को सौंप सकते हैं। बिलासपुर जिले के सदर खंड के साईखरसी में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। उपस्थित ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई और लाभार्थियों द्वारा अपने अनुभवों को भी साझा किया गया। मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाला बागी कटोला स्कूल बीते 3 महीनों से तंबुओं में चल रहा है। आपदा के कारण स्कूल के बच्चों को करनी पड़ रही है ऑनलाइन पढ़ाई। इंडस टावर नाम से कंपनी आई, उसने बोला हम आपको चैरिटी से 10-15 शेड फैब्रिकेट के देंगे बना के, लेकिन धीरे धीरे समय निकलता गया तो लगभग 1 महीने हमारी क्लासेज ऑनलाइन रही। फिर हमने खुद एसएमसी ने प्रबंध करके 1500-1500 रुपये कट करके इकट्ठा करके यहाँ एक टेम्परेरी से तरपाल और टेंट हाउस का सामान खरीदा, एक टॉयलेट भी बनवाया। अभी पिछले हफ्ते दो दिन बारिश हुई थी तो लगभग स्कूल बंद ही था, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब हमारी उम्मीद है कि हमें फैब्रिकेट शेड, अगर हम बिल्डिंग की डिमांड करते हैं तो बिल्डिंग इतनी जल्दी नहीं बन पाएगी, तो हमारा अनुरोध रहेगा कि जल्दी से जल्दी फैब्रिकेटेड शेड के लिए अगर चाहे डीसी चाहे डिजास्टर उससे आपदा राहत से हमारे को 25-30-35 लाख रुपये हायर करके हमें वो फैब्रिकेटेड शेड बनवा के दें। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है ये बिल्कुल धीमा है, इसमें सरकार का कोई ध्यान नहीं है और स्थानीय लोग या हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ जो है अच्छी तरह से दोबारा, जैसे भी पीछे कहा गया था कि यहाँ फैब्रिकेटेड जो है बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का निर्माण किया जाएगा, वो जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि अभी पीछे कुछ एक प्रयासों से जो स्कूल के नाम ज़मीन भी हो गई है और सारा यहाँ जल्दी से जल्दी यहाँ कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है, और ताकि बच्चों का जो है पढ़ाई ठीक ढंग से सुचारू रूप से हो। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के निदेशक मंडल के चुनावों में किन्नौर के पांगी से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार ठाकुर कृष्ण नेगी निर्विरोध चुने गए हैं। एआरडी बैंक के जितने भी मतदाता हैं उन सभी का जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से धन्यवाद करता हूं, और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे राजस्व बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी का, जिन्होंने लगातार तीसरी बार हमारे ठाकुर कृष्ण जी जो हमारे एआरडी बैंक के पिछले 2 दफ़ा डायरेक्टर रहे, इनका तीसरी बार इन पर विश्वास करके इनको उम्मीदवार बनाया। उसके बाद हमारे कर्मठ कांग्रेस कार्यकर्ता हमारे ठाकुर कृष्ण जी को भी इसके लिए मुबारकबाद देना चाहूँगा, उसके साथ हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारियों का और एआरडी के बैंक के मतदाताओं का। फिर कोरोना के नए वेरिएंट JN1 ने देश में दस्तक दे दी है। इस वेरिएंट के कई मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है, जिसके मद्देनजर जिला सिरमौर में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टेस्टिंग शुरू कर दी है। को लेकर हम बिल्कुल अलर्ट हैं और हमने अपनी तैयारियां हमारी पूरी हैं, हमने अपने ब्लॉक में अपने जिले में जायजा ले लिया है, हमने मॉक ड्रिल भी की थी जिसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता और किट्स की टेस्ट किट्स की उपलब्धता के बारे में देखा था। जिला हमीरपुर में प्राइमरी स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता और बच्चों को मिलने वाली खाद्य सामग्री की जाँच की। बागवानों को दी गई गारंटी पूरी न करने पर सेब लेकर विधानसभा परिसर पहुंचा है विपक्ष। क्या कुछ कह रहा है, क्या हंगामा खड़ा कर रहे हैं, आप भी देखें। देश देने की कोशिश की है कि जो झूठी गारंटी दी थी उसका पर्दाफाश हो गया, और एक गारंटी जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं
वो हिमाचल प्रदेश के बागवानों के साथ किया गया था। और वो गारंटी क्या दी गई थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह से जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एप्पल की इकोनॉमी जो है लगभग 5,000 करोड़ की, जो कि प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को बहुत बड़ा संबल देती है, उनका समर्थन और सहयोग लेने के लिए गारंटी दे दी कि हिमाचल प्रदेश में जो बागवान सेब पैदा करते हैं, फसल पैदा करते हैं, उसकी कीमत कोई दूसरा आदमी तय नहीं करेगा। भाजपा सरकार के समय हुआ क्रिप्टो स्कैम, हमने लिया एक्शन, सीएम का ये कहना है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में इन्हीं के सदस्य जिन्होंने प्रस्ताव लाया, उन्होंने चर्चा की, किसके समय क्रिप्टो करेंसी हुई, हमारी सरकार के समय उस पर एक्शन हुआ। 19 लोग अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं, 3 आरोपियों के खिलाफ चालान तैयार करके अदालत में प्रस्तुत किए गए, 80 जगहों पर छापे मारे गए। मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू ने बेरोजगारी के लिए ठहराया पूर्व भाजपा सरकार को जिम्मेदार। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग बेरोजगार हैं, इसके लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार जिम्मेवार है। इस तरह के अन्य ताजातरीन खबरों के लिए जुड़े रहें जीवीसी अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।